So very good morning to students of standard 6th, and it's a pleasure morning, okay. And I have just introduced about the unit number 2. We had done just a revision of a unit number 1, World of Colors, in the previous lecture, okay. In the previous lecture humne ye sab kuch किया है, ओके. मैंने समझाया है कि इस स्टोरी में से हमें क्या सीखने को मिलेगा, और हम अभी जो स्टोरी हमारी चल रही है एनिमल्स के बीच में जो झगड़ने की बात, वो क्वारलिंग की बात चल रही है, तो उसमें से हमें क्या सीखने को मिलेगा वो भी एक अलग बात है. वो हम क्या सीखेंगे इस स्टोरी में से, वो हम बाद में देखेंगे. आगे मीन्स इन द स्टोरी, ओके. इन आगे हम देखेंगे हमें क्या इसमें से सीखने को मिलता है, ओके. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द एक्टिविटी दैट यू कैन जस्ट पेस्ट ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड यू कैन मेक द थिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, ओके. द वेस्ट मटेरियल्स, ओके. नाउडेज द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीज्ड, वी ऑल्सो नो दैट, ओके. सो फ्रॉम सीइंग द वीडियोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, हाउ टू यूज इट अगेन, रीयूज, रिड्यूस, एंड दैट चैप्टर विल ऑल्सो कम इन योर स्टैंडर्ड ऑल्सो, ओके. सो यू कैन मेक द थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट टू बेस्ट, ओके. फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट, ओके. दैट ऑल थिंग्स आई हैव जस्ट आई एम सेइंग जस्ट नाउ, एंड बिफोर आई टोल्ड यू टू मेक सम गुड थिंग्स फ्रॉम द ओल्ड न्यूज पेपर, कट द पिक्चर्स एंड मेक द न्यू थिंग्स लाइक एलिफेंट, यू कैन हैव अ एलिफेंट शेप, ओके. देन बटरफ्लाई शेप, लाइक दे गेव अस एक्टिविटी नंबर 1, दे हैव रिटन ऑल द वर्ड्स इन अ शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, ओके. एंड वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ बटरफ्लाई और नो, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज अ बटरफ्लाई, एंड विच वर्ड्स वेर देयर, दैट ऑल्सो आई हैव जस्ट स्पोकन इन प्रीवियस, यस, इन प्रीवियस लेक्चर. एंड वंस अगेन इन एक्टिविटी नंबर 2, आवर स्टोरी वॉज बैटल इन द जंगल पार्ट 1, दैट वी हैव सीन, ओके. और उसमें अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे, दैट ऑल्सो विल सी हियर, कि अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है, अभी तक हमने हमारी स्टोरी में हमें हमने क्या पढ़ा है वो मैं आपको बताऊँ, रिविज़न हो जाए थोड़ा सा, ओके. तो कि वंस अपॉन ए टाइम ऑल द एनिमल्स हु वेर वॉकिंग ऑन द लैंड, द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हु वेर फ्लाइंग, ओके, दे स्टार्टेड टू क्वारल विथ ईच अदर. वाई? बिकॉज they were quarreling because of their strongest, who is the strongest, who is the superior among themselves, and who is the smartest, okay, strongest and the smartest, okay. And tiger were making sound, growl, okay. And vowels, fox or vowels, okay. Vowels means one type of fox only, okay. It is a species of a fox, okay, but they are very big in size, okay. They also eat man's flesh also, human flesh also, or any other animal's flesh also, okay. And the small fox whom we are calling a fox, जो हम fox को बोलते हैं, जो fox, तो वो बहुत डरावना होता है, वो भी मीट ही खाता है, पर small small animals के वो मीट खाते हैं, okay. वो हमसे डरते हैं, ये vowels है ना, तो वो vowels तो हमें भी डराते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, okay. So this is the story. फिर वो भी एक आवाज़ निकालते हैं, होल्ड, लाइक आवाज़ मीन्स जो उसकी बोलने की जो स्टाइल होती है वो एक उसका स्पेलिंग है, होल्ड, ओके. एंड बाद में क्रैकल्स एंड ऑल द बर्ड्स क्रैकल्स विथ ईच अदर, क्रैकल्स, ओके, मीन्स दे आर ऑल्सो मेकिंग साउंड्स एंड द इंसेक्ट्स आर ऑल्सो मेकिंग साउंड्स, ओके, मीन्स दे ऑल आर फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से सब बात करने लगते हैं. तो फिर बाद में क्या हुआ कि सबके आवाज़ एक दूसरे से ज़्यादा हो गए, सब एंगर हो गए, सबके जो माइंड सेट है ना, तो वो माइंड सबके एक स्टेज ऊपर चले गए. तो हमें भी पता है जब हम क्वारलिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा भी आवाज़ होता है वो जल्दी निकलने लगते हैं, फिर लाउडली निकलने लगते हैं. तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये दोनों लड़ रहे तो वो क्यों दूसरे को दिखाई देते हैं, दूसरे को क्यों दिखा रहे कि हम दोनों लड़ रहे, पर वो ऐसे नहीं चाहते. पर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसमें कि वो धीरे धीरे सब कुछ ऐसा हो जाता है कि लाउड वॉइस निकलने लगता है, फिर बूमो जो बूम है तो वो चिल्लाने लगते हैं, ओके, ये सब होने लगता है इफ़ यू बिकम मोर एंड मोर एंगर देन, ओके.
एंड नाउ नाउ वी विल सी एंड लास्ट एंड यस दैट ओल्ड पैरट केम एंड दैट ही सेड वन थिंग दैट अगर कोई क्लास में कोई लड़ रहे तो अगर हमें टीचर आके कि सब लड़ो मत, एक काम करते दोनों ग्रुप्स को फाइट करवाते कि जो जीतेंगे वो स्मार्टेस्ट है एंड स्ट्रोंगेस्ट है, ओके okay? इसी तरह ऐसे कोई कोई टीचर नहीं बोलेंगे आपको, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोला है। तो बाद में क्या है कि बाद में ऐसा है कि जो पैरट है तो पैरट क्या करता है तो पैरट भी इसी एक तरह की सलाह सबको देता है, सब एनिमल्स एंड बर्ड्स को कि आप लोग सब एक दूसरे को झगड़िए मत, आप हम ऐसा एक कुछ काम करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि दोनों ग्रुप्स लड़ते हैं फिर उसमें जो जीतेंगे वो सबसे सुपीरियर होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे एंड द स्मार्टेस्ट होंगे, ओके okay? तो ये डिसीजन लास्ट में किसने लिया, ओके ओल्ड पैरट ने ये लास्ट में डिसीजन लिया, ओके स्टूडेंट्स। एंड फ्रॉम हियर वील मूव टूवर्ड्स अवर स्टोरी अगेन वंस अगेन, ओके वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अब क्या होता है वो हम स्टोरी में आगे देखेंगे, ओके दैट आई हैव सेड इट इज़ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर, ओके। एट लास्ट एन ओल्ड पैरट सेड स्टॉप शाउटिंग, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट। कि हमें एक दूसरे से बात करके वो सब कुछ नहीं करना है, हमारी एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी है, हम एक फैसला बनाते हैं लेट्स फाइट, क्या हम चलो फाइट करते हैं। फाइट का मतलब क्या होता है, बैटल, ओके दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया, बिकॉज जो बर्ड्स का जो आइडिया था ना तो उसके सामने जो एनिमल्स थे तो उसका आइडिया सब, ये जो बर्ड्स का जो आइडिया था ना तो एनिमल्स को वो अच्छा नहीं लगा, वो बहुत फनी लगा क्योंकि एनिमल्स है तो एनिमल्स तो कोई भी, अगर जो हमारा एलिफेंट है तो अगर एलिफेंट एलिफेंट एक बर्ड उसके पैर के नीचे आ जाता है तो वो तो मर जाता है। तो ये सब कुछ, ये लायन है तो लायन से तो सब डरते हैं, हाँ वो भी हमें पता है, इंसेक्ट्स भी डरते हैं, फिर सब एनिमल्स भी डरते हैं, बर्ड्स भी डरते हैं। तो ये आइडिया बर्ड्स का जो फाइट करने का था ना तो वो एनिमल्स को फनी लगा तो सब हंसने लगे उसके आइडिया पर, ओके। व्हाट सेड द लायन, व्हाट सेड द लायन, कैन यू फाइट अस, डोंट बी फुलिश, आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू। फिर क्या बोला कि व्हाट सेड द एनिमल, क्या ऐसा लायन ने कहा, ओके क्या आप क्या हमसे फाइट कर सकेंगे, ओके डोंट बी फुलिश, क्या यू शुड डोंट बी फुलिश, ओके दिस आइडिया इज नो, इट इज़ नॉट प्रॉपर, ओके इट इज़ वन साइड आइडिया, ओके दैट वी विल ओनली विन इफ यू गिव दिस आइडिया टू अस, देन वी नो दैट वी ऑल एनिमल्स विल ओनली विन, यू विल नॉट विन एट एनी कॉस्ट, ओके आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू। वी नो दैट द बाइट ऑफ अ लायन, के लायन की जो बाइट करने की ताकत है तो वो सब बर्ड्स को समझाता है कि मेरी जो ताकत है तो वो आप सबको पता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को एक बार पकड़ लेता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ इसको, वो भी हमें भी पता है क्योंकि हम डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी में एनिमल प्लैनेट में हम देखते हैं कैसे वो शिकार करते हैं, सब जो लायंस होते हैं वो कैसे शिकार करते हैं एनिमल्स के, फिर वो कभी छोड़ता नहीं है, जब तक वो उसका जीव नहीं ले लेते तब तक वो छोड़ता नहीं है, ओके okay? तो इसी तरह लायन ने भी सब बर्ड्स को समझाया, ओके। द एलिफेंट सेड आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, ओके। तो एलिफेंट ने क्या कहा कि एलिफेंट ने ऐसा कहा कि मैं एक पेड़ को उखाड़ के अपनी ट्रंक में लेके मैं सब पक्षी या फिर जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स है उसके साथ मैं अकेला ही लड़ सकता हूँ, तो आपको कोई जीतने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ये सब एनिमल्स हंसने लगे। क्या क्यों हंसने लगे, क्योंकि बर्ड्स ने जो आइडिया दिया था उसके हिसाब से ये सब एनिमल्स है, तो उसको ऐसा लगा कि ये आइडिया उसका फनी है क्योंकि हम ही जीतेंगे, हमारे में इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स है, जीराफ है, लायन से, एलिफेंट से, फॉक्स, वोवल्स, ओके हिपोपोटामस एंड राइनोस एंड ऑल दिस बिग एनिमल्स आर प्रेजेंट इन लायंस टीम, वो तो उसे ये आइडिया सब फनी लगे। फिर लायन बताता है कि आप लोगों को तो सब कुछ पता ही है कि मेरी बाइट कितनी डेंजर होती है, मैं एक बार कुछ भी पकड़ लेता हूँ तो वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो हाथी भी बोला कि मैं एक पेड़ को उखाड़ के मैं अपने ट्रंक में लेके मैं सब
मैं सब प्राणी से भी लड़ सकता हूँ और बर्ड्स और इंसेक्ट से भी लड़ सकता हूँ, तो आपको कोई जीतने का चांस ही नहीं है। तो ऐसा किसने बोला? एक लायन ने ऐसा बोला। और ये बोलने का कारण क्या होता है कि सामने वाले आदमी को गिरा देना, दे आर यूजिंग देयर टेक्निक्स ओके टू नॉट फाइट ओके, दे आर जस्ट मेकिंग एनिमी लूज, दे आर नॉट मोटिवेटिंग ओके, दे बिकम लूज इफ दे विल शो देयर स्ट्रेंथ ओके, इफ दे विल शो देयर स्ट्रेंथ, दिस एनिमल्स आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ टू द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स ओके, सो दे विल फील दैट दैट ओ ये सब एनिमल्स तो बहुत ताकत वाले हैं, तो हम तो क्या करेंगे इसके सामने, हम तो कुछ नहीं होगा हमारे से, तो ऐसे करके वो डर जाते हैं। वो ऐसे ऐसे कौन सोचता है? एक एनिमल से वो ऐसे सोचते हैं ओके स्टूडेंट्स। एलिफेंट ने भी अपनी ताकत बताई, लायन ने भी अपनी ताकत बताई। फिर क्या होता है? वी विल इजिली डिफीट यू, कि हम आसानी से आपसे जीत जाएंगे और आपको हरा देंगे। विल यू, सेड द पैरट। फिर पैरट को हिम्मत थी कि विल यू, कि क्या आप ऐसे कर सकते हैं? वी विल सी अबाउट दैट, गेट रेडी टू फाइट अस, कि आप बातें मत करो, हम वो बैटल में फाइट में हम देख लेंगे कि किसके पास कितनी ताकत है, कौन जीतता है कि नहीं जीतता। आप अभी से इंट्रोड्यूस मत करो कि हम ही जीतेंगे, कि आप अभी से मेंशन मत करो कि हम ही जीतेंगे ओके स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज सेड बाय द पैरट, ओके लेट्स फाइट, डोंट टॉक इन बिटवीन और जस्ट डोंट गिव द रिजल्ट बिफोर गिविंग द एग्जाम्स ओके। सम स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर सेइंग दैट आई विल गेट 50 अप टू 50, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लेवर, दे आर सेइंग पहले एग्जाम दो, बाद में चेक होगा, बाद में पता चलेंगे कि हमें इतना मार्क्स मिलेगा ओके। इसी तरह पैरट भी सब एनिमल्स को समझाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, दैट ऑल्सो विल सी। द लायन बिकेम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स। तो हर एक टीम में एक कमांडर होता है जो अपनी टीम लीड करता है, यस और नो? यस। सो हर एक टीम में एक कमांडर होता है और वो अपनी टीम को लीड करता है। तो एनिमल्स के कमांडर कौन हुए? एनिमल्स के कमांडर मिस्टर लायन हुआ। और बर्ड्स के कौन हुआ? तो के पैरट ओके। तो पैरट बर्ड्स गैंग थी, उसमें इंसेक्ट्स भी थे ओके, एंड एनिमल्स में सब एनिमल्स थे, छोटे बड़े सब एनिमल्स थे। तो उसका कमांडर कौन हुआ? लायन। लायन इज द कमांडर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स में कौन था? पैरट ओके। एंड इंसेक्ट्स ओके। सो दिस टू बिकेम द कमांडर ऑफ देयर टीम्स ओके। नाउ वी विल सी, द लायन बिकेम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स एंड द पैरट बिकेम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स। वो बर्ड्स के टीम में कौन थे? एक बर्ड्स थे और एक इंसेक्ट्स थे, वो दोनों बर्ड्स में इंक्लूड होते हैं, मीन्स बर्ड्स के टीम में इंक्लूड है। द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टूगेदर एंड गेम देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। अब ड्रिल का मतलब क्या होता है? ड्रिल का मतलब दो मीनिंग्स है ड्रिल्स के। एक ड्रिल क्या होता है कि जो आप जमीन में खड्डा करते हो ड्रिलिंग मशीन से, तो वो ड्रिल हुआ। और दूसरा यहाँ पे ड्रिल का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर स्किल, जो कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल हो। ये ड्रिल कहाँ पे होता है? तो क्या ड्रिल पोलिस पराडे में होता है। फिर हमारा जो 26 जनवरी होता है ना, तब हमें टीवी में जब हम देखते हैं तो एट रेड फोर्ट दे आर हैविंग द मार्च, यस और नो? बट बिफोर दैट 26 जनवरी, 24 to 25 ओके, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ड्रिल्स ओके। दे आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड हाउ टू मूव देयर हैंड्स and how to salute to the persons who are sitting on the couch and all these things okay. So they are drilling means to practice a particular skill okay. Drill ka matlab kya hai? To practice particular skill before
बिफोर क्या, बिफोर समथिंग मीन्स बिफोर द डेज और बिफोर सम इवेंट इज देयर, देन बिफोर दैट इवेंट दे आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, हाँ, बेसिकली एयर ड्रिल कहाँ पे यूज़ होता है, मिलिट्री में यूज होता है, पुलिस पराडे होता है उसमें ये वर्ड यूज होते हैं. ओके, तो लायन की जो टीम है ना, तो उसने क्या किया, ऑल एनिमल्स, द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर. लायन ने क्या किया, एक अच्छी राजनीति बनानी पड़ती है, अच्छी रणनीति बनानी पड़ती है फाइट करने के लिए. जब कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा वो कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं फाइट करने के लिए, पांडवास एंड वन वेयर एंड अपोजिट टीम वेयर ऑल द कौरवास. ओके, तो वो दोनों के बीच जो फाइट होती है तब रणनीति बनाते हैं सब लोग. ये सुनो, ऑल द पीपल आर मेकिंग द बैटल. ओके, हाउ टू फाइट विथ ईच अदर, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग देन दे आर मेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग. ओके, दैट प्लानिंग वेयर मेड बाय दिस लायंस टीम. ओके, ही कॉल्ड ऑल द एनिमल्स एंड दे स्टार्ट टू प्रैक्टिस द थिंग्स, हाउ टू फाइट एंड हाउ टू मेक डिफीट ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ओके, दिस प्रैक्टिस वेयर गोइंग ऑन द ग्राउंड. ओके, दे मार्च फॉर अ लॉन्ग आवर्स. मार्च का मतलब क्या है, देखे सब लोग एक साथ चल के जो चलते हैं तो उसे क्या करते, क्या कहते हैं हम, मार्च. ओके, ही गेव देम अ लॉट ऑफ फूड टू, गुड फूड टू. ओके, फिर लायन ने क्या किया कि अच्छी तरह लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए. तो वो एनर्जी कहाँ से आएंगे कि जब हमें खाना मिलेगा तब. तो लायन ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, सबको प्रैक्टिस किया, सबको प्रैक्टिस करवाया, फिर बाद में क्या हुआ कि सबको ड्रिल करवाया, फिर मार्च करवाया, फिर सबको अच्छा फूड दिया, क्योंकि वो कल अपनी सामने वाली टीम है उसे अच्छी तरह लड़ सके. इसलिए द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड एंड दे डिड नॉट प्रैक्टिस. तो उस जो बर्ड्स की जो टीम थे तो उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने प्रैक्टिस भी नहीं की और उसके पास फूड भी नहीं था, तो सबने फूड भी नहीं खाया, अच्छा फूड नहीं था, गुड फूड वॉज नॉट देयर विद द बर्ड्स टीम. ओके, तो वो सब भूखे, आज कुछ भूखे रह गए. फिर बाद में क्या हुआ कि उसने एनर्जी नहीं थी तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं किया, ये सब कुछ बर्ड्स की टीम में चल रहा था. ओके, इंस्टेड दे हैड अ मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स द इंसेक्ट्स. ओके, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स और डूइंग प्रैक्टिस एंड डूइंग ईटिंग ऑल द थिंग्स एंड डूइंग ड्रिल्स, दे हैव जस्ट मेड अ फ्रेंडशिप विद द इंसेक्ट्स. ओके, एंड दे मेट टू देयर फ्रेंड्स हु वेर इंसेक्ट्स. ओके, दिस इज आवर स्टोरी, स्टोरी नंबर वन, पार्ट वन, दैट इज अ बैटल इन द जंगल बिटवीन टू टीम्स. ओके, वी कैन से टू ग्रुप्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट, दे आर द टू ग्रुप्स एंड we have seen till now. Now what will be the result? Okay, what will be the result that we will see in the next lecture. But there are some new words also given. Quarrel means angry disagreement. Okay, quarrel means ek ladna hota hai, yahan pe quarrel ka matlab kya hai, angry disagreement. This is given in your textbooks only. Okay, then man ka long hair from the neck of a certain animals. Okay, humne dekha hai kabhi kabhi hum dekhte hai ki animals hote hai to uske neck se बहुत लंबे बाल आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैन. ओके, बैटल का मतलब क्या होता है, फाइट. बैटल का क्या मतलब होता है, फाइट. आई विल राइट ऑल द वर्ड्स हियर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, एंड आई विल गिव वंस अगेन टू यू. ओके, पहला कौन सा है, क्वारल मीन्स क्या है, एंग्री डिसएग्रीमेंट. ओके, दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज मैन, सी द स्पेलिंग ऑफ मैन. ओके, नॉट एम ई एन और नॉट एम ए एन. ओके, इट इज एम ए एन ई. नाउ लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर from the necks of the animals.
सर्टन एनिमल्स मीन्स दैट यू कैन से नॉट ऑल द एनिमल्स बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिसके बाल यहाँ से गले से बहुत लंबे होते हैं. ओके, देन थर्ड वन इज बैटल. बैटल का मतलब आपको पता ही है कि फाइट. ओके, फाइट फाइट. देन स्टिंग, जो एंट है तो वो क्या करते हैं, एंट सब हमारे बॉडी में स्टिंग करता है. ओके, वही एंट और हनी बी वी कैन से. ओके, स्टिंग कौन करता है, हनी बी और एंट. ओके, टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन. टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन. शार्प पेन, तो जब हमें जो चींटियां हैं तो जब वो हमें यहाँ पे स्टिंग करती है हमारे हाथ में या पैर में. ओके, तो हमें तुरंत वहाँ से क्या होता है, शार्प पेन हमें तुरंत होता है. ओके, विल गेट द इफेक्ट वेरी क्विकली. तो ये यही यहाँ पे लिखा है, टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन. ओके, देन रोर. रोर का मतलब कि जो लाउड से, लायन और टाइगर्स वो जब लाउड से बोलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रोर बोलेंगे. ओके, स्पाई. स्पाई का मतलब क्या होता है कि जानकारी लेना, दूसरे टीम की जानकारी लेना. ओके, वह किस तरह की जानकारी लेना कि उस टीम को पता ना चले कि हम इस टीम से है, इसी तरह छुप छुप के किसी और की जानकारी लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पाई. ही स्पाई. ओके, तो स्पाई यहाँ पे है, टू वॉच क्लोजली. टू वॉच क्लोजली, टू वॉच क्लोजली एंड क्लोज एंड वॉच क्लोज एंड सीक्रेटली. यस, सो दीज आर द वर्ड्स दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड आई हैव गिवन वन वर्ड दैट वॉज ड्रिल. ओके, एंड वन मोर वर्ड इज गिवन दैट इज रोर, दैट वी कैन नो द साउंड विच इज इन अ बिग. ओके, इट इज नोन एज अ रोर. ओके, टू अटर अ लाउड डीप एंड रमलिंग साउंड, इट इज द मीनिंग ऑफ अ रोर. सो आई थिंक दीज आर द वर्ड्स दैट मे यू फेस डिफिकल्टी. ओके, सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट, यस स्टूडेंट्स, एंड अदरवाइज आई विल ऑल्सो गिव द फोटो ऑफ दिस पिक्चर ऑफ दिस स्पेलिंग्स एंड यू कैन राइट इन द नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर द स्पेलिंग्स दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड वन मोर द वर्ड दैट आई हैव गिवन टू यू दैट वॉज ड्रिल. सो विल कंप्लीट और विल हैव इट हियर. ओके, विल पुट अ फुल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट lecture. Till that, stay healthy and stay strong at the home. Okay, stay safe also and do the activities that I am telling in the video or I am saying in the video, that will be very beneficial to all of the students. Thank you students once again and have a good day.